फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, कोई भी ऐप आजकल आप खोलो तो आगे आपको एक ही मीम कह लो या फिर हम सॉन्ग कह लें, छोटा क्लिप आता है, मेरा दिल ये पुकारे आजा, ये आपको नज़र आ रहा है। एक वायरल वीडियो है जो कि अक्रॉस पाकिस्तान एंड इंडिया बहुत ज़्यादा वायरल होती जा रही है। एक लड़की डांस कर रही है जो कि लता जी का एक सॉन्ग है, मेरा दिल ये पुकारे आजा के लेटेस्ट सॉन्ग जो कि रिमिक्स किया गया है, उसके ऊपर वो किसी वेडिंग के ऊपर डांस कर रही है, मेहंदी आई गेस। तो उसकी वीडियो इतनी वायरल हो रही है और कमेंट्स आ रहे हैं कि यार इसके बारे में आप बताएं, इसके ऊपर रिएक्ट करें। पर मैंने अभी तक पूरी वीडियो नहीं देखी, बट मैंने भी क्लिप्स देखे हैं, छोटे छोटे हर सोशल प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। ये एक पाकिस्तानी टिकटॉकर हैं आयशा, वो अपनी किसी फ्रेंड की शादी में गई थी, वहाँ पर डांस किया था, वो वीडियो इन्होंने अपने इंस्टा पर लगाई और वहाँ से ये वीडियो मीम्स में आती गई डिफरेंट, क्योंकि मीम्स में भी मैंने बहुत से देखा है डिफरेंट, यार लिटरली डिफरेंट किस्म के लोगों ने अपने अपने उसमें उसको ट्रांसफॉर्म किया हुआ है। कोई डिफरेंट आर्टिस्ट का लेकर आ रहा है बीच में डांस, कोई अपना डांस लेकर आ रहा है, कोई वैसे ही उसके अंदर मीम्स और को थोड़ा फन ऐड करके चेंज कर रहे हैं, तो वो बहुत फनी भी हो रहा है। बट आज मैं लाया हूँ फुल वीडियो जो कि काफ़ी बड़ी है, वो छोटी क्लिप्स में नहीं है, तो कॉपीराइट क्लेम डेफिनेटली मेरे चैनल पर आने वाला है कि मेरा दिल ये पुकारे आजा, जो कि सारे गामा म्यूज़िक कंपनी का है। तो वेल कोई बात नहीं, देखते हैं पूरी वीडियो कैसे होने वाली है, उसके बाद हम डिस्कस भी करेंगे। तो करता हूं मैं यहां पे वीडियो स्टार्ट, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो आप में से इस चैनल पे न्यू व्यूवर्स आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड हिट द बेल आइकन। सो विदाउट फर्दर अडू यार चैनल सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट मैं इसलिए करता हूँ ताकि आप तक आने वाली हर इंफॉर्मेशन वाली वीडियो या फिर एंटरटेनिंग वीडियो, कोई भी वीडियो हो वो आप तक, रिएक्शन, रिव्यू, कुछ भी हो आप तक पहले पहुँचे। तो देखते हैं वो डांस वीडियो फुल कैसी है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स प्ले। ये मैंने मीम में देखा था, समन पुट फार्ट इफेक्ट, जब वो बैंड होती है तो वो मीम थी। सही, वेल इस सॉन्ग को देखा है पूरा सॉन्ग या वीडियो जो डांस वीडियो है, बट आई जस्ट मैं फिगर आउट करना चाह रहा हूँ कि इसमें ऐसा क्या है जो यार इतनी वायरल हुई है ये वीडियो, क्योंकि सब लोग डांस करते हैं शादियों में और वो वीडियोस इंटरनेट पर आती हैं इससे ये, लेकिन इसमें ऐसा स्पेशल क्या है, मैं उसको देखने की कोशिश कर रहा था। जो कि मुझे ऐसा लगता है कि जो सॉन्ग है ना, जो सॉन्ग की कंपोजिशन है, टू बी ऑनेस्ट, वो बहुत अच्छी है, बहुत रिफ्रेशिंग है, क्योंकि ये पुराना सॉन्ग है मेरा दिल ये पुकारे आजा लता जी का, ठीक है। और लेकिन वो उस टाइम पे थोड़ा स्लो वर्जन में है, वो बहुत ही स्लो है, लेकिन ये रिमिक्स जो डीजे का कमाल है जिसने इसके अंदर ऐसे इफ़ेक्ट्स डाले हैं और
और उसकी कंपोजिशन बिल्कुल चेंज की हुई, और वो एक मज़े का सॉन्ग, मतलब आप वीडियो ना भी देखो आपको वो सॉन्ग सुन के भी अच्छी वाइब्स आएंगी। बट उस सॉन्ग के ऊपर जो आयशा है इन्होंने किया है अच्छा डांस, जो कि रियली अप्रिशिएटिव है, डिसेंसी एंड ड्रेस के साथ। एक शादी में इन्होंने अपनी फ्रेंड की शादी में मेहंदी में डांस किया है और अच्छे स्टेप्स किए हैं, और ऐसा भी नहीं है कि मतलब कुछ भी लाइक नो बॉडी, मतलब खाली बॉडी नहीं मूव की, हाथ या पैर यूँ हिलाना, प्रॉपर स्टेप्स किए हैं इन अ गुड मैनर्ड वे में। तो लेकिन फिर भी ये एक लक हम कह सकते हैं कि यार, क्योंकि इससे पहले एक पौड़ी गर्ल हुई थी या चाय वाला या प्रिया प्रकाश वर्य, वो जो अपनी आंखों का वो जो टू 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 वो करने वाला, तो कुछ भी वायरल हो सकता है आज के दौर में। लेकिन एक एक्स फैक्टर होता है उस वीडियो को या उस पिक्चर को जो वायरल हो रही थी, आप देखते हो तो उसमें कुछ ऐसा होता है जो आपको रोक लेता है, आंखें आपकी, यार इसमें कुछ है। अब वो ही चीज़ लोगों को पसंद आने लग जाती है, तो इट डिपेंड्स। इससे पहले वो भी एक वायरल हुआ था कि रसोड़े में कौन था, वो भी एक वीडियो यशराज मुखाटे की वायरल हुई थी, जो कि एक इंडियन स्टार प्लस ड्रामा था साथ में बहना साथिया का। तो कुछ भी वायरल हो सकता है। बट इस सॉन्ग में मोस्टली जो ऑडियंस है वो सोशल मीडिया की है, सोशल मीडिया के ऑडियंस को पसंद आया, मीम्स में बना और डिफरेंट इफेक्ट्स के साथ, चेंजिंग्स के साथ। मैंने जो देखा था वो बहुत फनी था, इसमें बीच में कभी ये लड़की डांस कर रही तो कोई और आर्टिस्ट जो कि एक्टर है या फिर कोई भी है वो बीच में पीछे इसके डांस कर रहा होता है और डिफरेंट इफेक्ट्स डाले होते हैं, वो डैट वॉज क्वाइट फनी, वो हंसने वाले इफेक्ट्स डाले होते हैं। बट ये एक प्रॉपर रियल वीडियो है, यही अपलोड की गई थी और यही वायरल हुई है, मिलियंस में व्यूज़ गए। और आपका क्या टेक है, आपका क्या ओपिनियन है, वीडियो क्यों वायरल हुई? मेरा जो पहला, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि लता जी का जो सॉन्ग है उसकी कंपोजिशन बहुत रिफ्रेशिंग है, बहुत अच्छी है, वो इफेक्टेड सॉन्ग है, पहले भी लगा हुआ था, लेकिन इस लड़की के डांस के बाद, आयशा के डांस के बाद वो ज़्यादा वायरल हुआ है, लोगों को सुनने को मिला है। और दूसरा ये कि डांस भी अच्छा है, वो एक कह सकते हैं कि एक शादी वाइब्स आ रही हैं और एक रिमिक्स और एक प्रॉपर एक अच्छी वाइब्स आ रही है। एंड द रिश्तेदार जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, कजन्स और वो फैमिली की वो जो आंटियाँ अंकल वो पीछे बैठे हुए, शी हैज़ गट्स के अकेले में और अपनी फैमिली और रिलेटिव्स के को दरमियान में आप अकेले आके डांस करना, इसके लिए आपको बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए, बहुत गट्स चाहिए कि वो देख रहे हैं, मोबाइल उठाए हुए, वो बातें भी कर रहे हैं, वो चुगलियाँ भी लगा रहे हैं, वो पता नहीं क्या कुछ गॉसिप्स करेंगे, बट इसने विदाउट एनी फियर शी वॉज इन्जॉइंग दी मोमेंट। और क्या लड़की में गट्स हैं, वो आप अपना टेक दे सकते हैं, अपना ओपिनियन शेयर करें, इस वीडियो को भी शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, आके मेरा ओपिनियन भी वो जान सकें और अपना ओपिनियन भी मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकें। और रखना है आपने अपना ढेर सारा ख्याल, लेकिन जाते जाते चैनल को करना है लाजमी सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की चटपटी वीडियोज़ आप तक और आती रहें। सो टेक केयर गाइज, लव यू।